Hope you are liking these learning videos. Want to study with Dubey Sir live? Join our offline online batches for CSIR NET Maths and JAM. Visit our website or click on the link highlighted to know more. इम्प्रॉपर इंटीग्रल शुरू करेंगे। छोटा सा टॉपिक है, आता जाता है कभी कभी क्वेश्चंस का। एंड देन मेजर टॉपिक, फंक्शन ऑफ टू और मोर वेरिएबल। एवी टू स्टार्ट विथ, इससे क्या फील होता है व्हेन एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एफ एक्स एग्जिस्ट और एफ डिफरेंशिएबल है आर पे, तो क्या ज्ञान मिलता है? एफ बाउंडेड होगा, लिमिट एफ डेस लिमिट एक्स टेंड टू एफ एक्स क्या आएगा? देन इज इट सो? अभी क्लेम कीजिए। हाँ तो ठीक है, और कॉन्स्टेंट नहीं हुआ तो तब भी हो जाएगा, ये तो जीरो ही आएगा, वो चाहे कुछ भी एल आ जाए, नॉन जीरो आ जाए, ये तो जीरो ही आएगा। कैसे सील की अगर वो जो लिमिट आ रही है एक्सटेंड टू इनफिनिटी ना, एक्सटेंड टू मान लीजिए ये एल है, मान लीजिए एल आ गया कुछ, तो ये कहां जा रही है? L कोई लाइन होगी, कहीं पर भी पैरल लाइन होगी, और कहां जा रहा है फंक्शन? गेटिंग पैरल टू दिस लाइन। इफ इट इज गेटिंग पैरल टू सम लाइन, डेरिवेटिव, और दूसरा और कोई तरीका सोचने की कोशिश करो। इन दोनों में रिलेशन कहां कहां देखा जाता है? नहीं, कुछ क्वेश्चन सोचना हो कैसे सोचेंगे? एफ एक्स और एफ डेस एक्स, मतलब इलाबोरेट करना है, मैथमेटिकल प्रूफ करना है, एक साथ कहां दिखते हैं एफ एक्स और एफ डेस एक्स? कहा? दो ही टर्म सीरीज में, कितने टर्म होते हैं? दो ही टर्म होते हैं आपके पास, हाँ स्लोप, और कहां कहां देखें एक साथ, दैट इज सेम डेरिवेटिव। एफ इन टर्म्स ऑफ एफ डेस, एफ इन टर्म्स ऑफ एफ डेस, ऐसे करते जाओगे ना, बीच में आए कभी कभी ने कि एलएमबीटी जैसी भी कोई चीज होती है, एलएमबीटी जैसी भी कोई चीज होती है जो एफ डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट एंड देन डेरिवेटिव कनेक्शन, क्योंकि पूरे आर पे कंटिन्यूस, पूरे आर पे डिफरेंशिएबल है, कुछ भी एच ले लो, कुछ भी एक्स ले लो, एक्स को कहां जाना है? इन्फिनिटी पे, कुछ भी एच किसी भी उसके लिए ट्रू है ना, ये एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच इक्वल टू एफ डेस टी सम लाइक दिस, ये कनेक्शन तो है ना दोनों के बीच में। और अगर मैं एच को वन ले लू तब भी कोई बुराई नहीं है, तो पूरे एच सप्ली ट्रू है ना, तो ये क्या बना मेरा एफ ऑफ एक्स प्लस वन माइनस एफ एक्स इक्वल टू एफ एनहेंस जीरो, दिख रहा है ना साफ साफ? वो तो ठीक है कि ग्राफ हो रहा है, ये साफ साफ दिख रहा है ये यहां पर कि व्हेन एक्स टेंस टू इन्फिनिटी लिमिट एग्जिस्ट, तो ये भी एक्स टेंस टू एक्स प्लस वन भी इन्फिनिटी जाएगा, ये कहां जाएगा? इन्फिनिटी पे, ये इन्फिनिटी पे, तो ये पूरा एल पे, और ये टी तो इसी के बीच में है, एक्स और एक्स प्लस वन के बीच में, जब एक्स इन्फिनिटी जाएगा तो उसको कहां लेके जाएगा इन्फिनिटी, तो ये लिमिट क्या आएगी? जीरो नहीं, ये लिमिट क्या आएगी? जीरो। और इस एक्सप्रेशन से ये भी मालूम चल रहा है कि एफ और एफ डेस एट इन्फिनिटी, इनकी लिमिट एक साथ एग्जिस्ट करेगी,
इनकी लिमिट एक साथ एग्जिस्ट करेगी, यहां से मालूम भी चल रहा है। अगर इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो इसकी कर रही है, और दिस लिमिट टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो हम इसे यहां भी सकते हैं। अगर ये टेंड्स टू इन्फिनिटी तो ये दोनों जाएंगे इन्फिनिटी पे, दोनों एक डिग्री जाएंगे। कुछ भी एड कर लीजिए आप पर, कुछ भी एक्स एन वाई एन और ये टी एन उसके बीच में, तो टी एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, एक्स एन वाई एन बोथ टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो दिस टेंड्स टू जीरो इन दिस वे। क्वेश्चन था अभी पीछे आया था, कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा था किसी वजह से, एफ एक्स प्लस एफ डेस एक्स दिस लिमिट एग्जिस्ट, ये दिया हुआ है इक्वल टू सपोज एल, दिस लिमिट इक्वल टू एल। तो फिर चार ऑप्शन ये थे कि इफ लिमिट एफ डेस एग्जिस्ट देन एफ एक्स एज इन इक्वल टू जी इक्वल टू एल, इफ दिस एग्जिस्ट देन एफ डेस एग्जिस्ट एंड इक्वल टू जीरो, तो वेन दिस एग्जिस्ट मतलब एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी है हर जगह। अगर लिमिट एफ एक्स एग्जिस्ट एट इन्फिनिटी देन वी हैव प्रूव्ड लिमिट एफ डेस एक्स इक्वल टू जीरो, एंड देन एफ डेस एफ एक्स प्लस एफ डेस एक्स लिमिट एल है तो इसकी लिमिट भी क्या आएगी, एल आएगी। तो एक ऑप्शन ये था कि इफ दिस लिमिट इक्वल टू एल, दिस लिमिट इक्वल टू एल, दिस लिमिट इक्वल टू जीरो, इम्प्लीकेशन बाय वन साइड। ठीक है, अगर एक एग्जिस्ट कर रहा है तो दूसरा ये आएगा। ये ऐसे क्वेश्चन था आपके साइड में भी शायद मेरे ख्याल से, ये पिछले एग्जाम क्वेश्चन है, बट ये उस टाइप के क्वेश्चन हैं जहां पर मैंने कहा ना लिमिट कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी एप्लीकेशन डेरिवेटिव, ये एक ऐसा सेगमेंट है जिसका क्वेश्चन आपको कई बार जब देख लेते हैं तो आसान लगता है, हो जाने के बाद वो आसान लगता है, बट व्हाट इज फर्स्ट थॉट इज डिफिकल्ट टास्क। वो क्वेश्चन ये तो ठीक है फंडामेंटल था, कैसे आगे बढ़े क्वेश्चन, ये थोड़ा सा मुश्किल होता है हमेशा, लिमिट क्वांटिटी डिफरेंशिएबिलिटी, उसके अलावा जो यूनिट्स है। बट हाँ, जस्ट वॉचिंग वीडियोज वॉन्ट हेल्प, यू नीड टू प्रैक्टिस योर लर्निंग बाय सॉल्विंग क्वेश्चंस। गेट द लेटेस्ट प्रैक्टिस बुक्स फ्रॉम डिप्स, क्लिक ऑन द लिंक टू बाय नाउ। अगर मेजर क्वेश्चन कर लिया आपने तो आसान भी होता है। रीमान इंटीग्रेबिलिटी, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी, इम्प्रॉपर इंटीग्रल, सीक्वेंस सीरीज ऑफ रियल नंबर्स, काउंटेबिलिटी अनकाउंटेबिलिटी, ये मोरलेस आप कैसे टॉपिक से क्वेश्चन निकल आएगा वहां पर, बहुत वैरायटी नहीं बन सकती इसमें जो देते हैं नॉर्मल क्वेश्चन देते हैं, जबकि इधर तो कुछ भी हो सकता है। बट ये सेगमेंट एक ऐसा सेगमेंट है जो इंपॉर्टेंट है, जितना एक्सप्लोर करो उतना अच्छा है, बट बाकी टॉपिक पे कमांड करने का तरीका है उसके एग्जाम्पल्स, जो आपकी रेफरेंस बुक है, जो भी, चाहे वो एनआर गुप्ता है, चाहे वो मलिक अरोरा है, चाहे जो भी बुक है, उसके एग्जाम्पल्स तैयार कर डालो। ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, ये इंटीग्रेबल है, ये बाउंडेड वेरिएशन है, ये यूसी है या ये नहीं है, जितना है वो एग्जाम्पल है आपकी बुक्स में, उसके बाहर नहीं जाता वो। इसमें तो खैर वो 12 से उठाना शुरू करेगा तो दिक्कत कर देगा। जेई की बुक उठा लोगे ना, आईटी जेई की कोई बुक, तो इस कॉन्सेप्ट पे आपको 500 क्वेश्चन मिल जाएंगे और हर क्वेश्चन चैलेंजिंग होगा। डरा नहीं रहे हैं अब आपको डरना तो सही चाहिए जो कट ऑफ रेज हुआ इस बार सही है, और बेसिक पढ़ के वहां तक नहीं पहुंच सकते, आपको अपना स्टैंडर्ड रेस करना ही पड़ेगा। आई वर्स हमने बड़े उसमें जो उसमें कहा था कि कट ऑफ विल बी रेस्ड बाय हार्डली 2 मार्क्स पॉजिटिव साइड, 2 मार्क्स मैक्सिमम बढ़ेगी, 2.5 मार्क्स से बढ़ेगी, सदन नहीं बढ़ेगी, बट एलएस के लिए वो 5 मार्क्स बढ़ गई है, 102 था इस बार 107 है, 5 मार्क्स। और क्वांटम जंप तो जेआरएफ के लिए हुआ है 9 मार्क्स का उसमें। तो ये है कि लोग सीख रहे हैं, एक्स्ट्रा सीख रहे हैं, स्टैंडर्ड रेज हो रहा है, पिछले 8 साल में 40 मार्क्स बढ़ चुके हैं, सोचो ना 4 साल में 40 मार्क्स का मार्जिन आ चुका है। 8 साल पहले 82 पे जेआरएफ हो गया था, 84 पे जेआरएफ हो गया था, बड़ा मामला हो गया है। तो इससे ये तो कम से कम आपको तय कर लेना चाहिए कि आपको टारगेट बड़ा करना होगा। अब इससे काम नहीं चलेगा कि हमको ये बेसिक चीजें नहीं आ रही है, मान लीजिए दुनिया में 50,000-25,000 लोग बैठे हैं जो आपको कंपटीशन दे रहे हैं, तो कोई ऑप्शन नहीं है, आपको सीखना पड़ेगा, फंडामेंटल से ऊपर तक जाना पड़ेगा, बट जाना ऊपर तक ही पड़ेगा। अगर आप 150 मार्क्स का ट्राई करना चाह रहे हो तो जो एक टफ एरिया है वो भी तो हिट करना ही पड़ेगा ना, तो स्टैंडर्ड रेस करना होगा आपको अपना, और अच्छी बात है ये आपके लिए, बुरी बात नहीं है, क्वालिटी के बच्चे ऊपर जा रहे हैं, समझ रहे हैं ना। कि देखिए दो तरह के लोग पास हो रहे हैं अभी भी, एक तो गुणा भाग चलता है आप सब जानते हो,
तो वो भी बहुत हो रहा है। तो चल मेरे साथ फॉर्म भर दे, ठीक है, ऐसे भी बहुत हो रहा है। तो ये तो खतरनाक है ही, जिससे रेज हो रहा है। रोहित समझ गया, उसने सुनाया आसपास, बता रहा था मेरे को। बट दिस इज व्हाट, कि एक वो भी है तो वो भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बट ऐसे लोगों का बस वो जेआरएफ एक सीट खत्म करते थे, अगले 6 महीने पे किसी और लिए करें तो सीन से हट जाते हैं, कोई दूसरा आ जाता है। बट ऐसे लोगों को होता कहीं कुछ नहीं है। बहुत सारे मैं लोगों को जान रहा हूं, बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूं, कोई बुराई करने वाली बात नहीं किसी की भी। अच्छी रैंक लेने के बाद भी अगर आप किसी आईआईटी में एडमिशन नहीं ले पा रहे हो तो उस रैंक का करो क्या आप सोचो? वो ज्यादा बड़ी फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि फिर खाना बनते सबर हो जाता है, परस्ते सबर नहीं होता है ना, वही वाला मामला है। तो जेआरएफ लेने के बाद अब अगर एडमिशन नहीं मिल पाता तो वो टाइम बड़ा कष्टदायी होता है कि यार अब क्या करें। तो उस टाइम आप खुराफात करते हो, बड़ा हरकतें करते हो फिर। तो बेटर ये कि अच्छी मैथ जान लो, लॉजिकली अपने आप को अच्छा आदमी बनाइए, मैथमेटिकल आदमी बनाइए कि हमको ये पता है, हमें मैथ्स आती है, एंड आई नो दिस माइंड। ये थोड़ी एक डट्टा मार के आपने, बहुत लोग हो जाते हैं। और इस बार का पेपर था ना, इस बार पेपर में इसलिए माइंड ऊपर गई है, पेपर का एक एवरेज था, नोन क्वेश्चन थे, टू द पॉइंट क्वेश्चन थे, रिप्रेजेंटेटिव क्वेश्चन थे उसके। ऐसा नहीं अगली बार मैट इतनी ऊपर जाएगी, मैट नीचे भी आ सकती है कोई बड़ी बात नहीं है। केमिस्ट्री पहले 118 112 जाया करती थी, पीछे 100 आ गई। वो फिजिक्स में कितनी आ गई इस बार? पीछे फिजिक्स में ऊपर गई थी, इस बार फिजिक्स में मेरे से बहुत नीचे आई है। बड़ा ऊपर पेपर आया था फिजिक्स में, 80 के आसपास आ गई है, 78 शायद, तो 78 मैथ्स में वालों को पहले केमिस्ट्री वाले कहते थे आप लोग कैसा भयानक पेपर आता है कि 78 मार्क्स पे आपको जेआरएफ मिल जाता था, नेट मिल जाता करता था, 88 पे जेआरएफ। तो टेशन में गोते थे यार ये वहां पे बहुत टफ होता, आप लोग क्या जानो। जबकि पेपर ऐसा तब भी नहीं होता था, तब बच्चे नहीं जानते थे इतना सारा कुछ। वो तो कम्पलेटिव इफेक्ट हो रही है ना, कंटेंट अवेलेबल हो गया है मार्केट में, सब बहुत सारा स्टडी मटेरियल अवेलेबल हो गया मार्केट में, तैयारी करने वाले बच्चे अब सीरियस हो गए। पहले 20,000 लोग बैठते थे तो उसमें 2,000 भी सीरियस नहीं होते थे, आज 20,000 बैठे उसमें कम से कम 8,000 सीरियस है। उनमें आता 5,000 लोगों को ये, बट सीरियस 8,000 है, उसमें 4,000-5,000 लोग हैं वो थोड़ा बहुत आता भी है और सीरियस भी है। इसमें से 2,000 के पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग है, वो सब चीजें निकालते रहते हैं, रटते रहते हैं। तो कॉम्बिनेशन, रट्टा कितना मारना है, कितना एक्चुअली सीखना है, दोनों का मिक्स। तो ऐसे लोगों ने स्टैंडर्ड रेस कर दिया, अच्छी बात भी है। नहीं तो 40% पे इस बार फील हो रहा है, इसलिए मुझे बड़ा अच्छा फील हो रहा है कि अगर उन्होंने इतना स्टैंडर्ड रेस किया उसके बाद भी उनको 550 बच्चे मिल रहे हैं। आप समझो ना इतना, जैसे पिछली बार जिस पे रैंक 1 थी उससे 3 मार्क्स ज्यादा पे इस बार रैंक 18 है। इसी से समझ में आ रहा है ना कि ऊपर तक कहां गए। पिछली बार जो टॉपर के जो मार्क्स उससे 3 मार्क्स ज्यादा भी हैं तब भी 18 रैंक है। तो स्टैंडर्ड रेस हुआ है, पेपर का थोड़ा सा स्टैंडर्ड इस बार लो था एज कम्पेयर टू प्रीवियस मंथ, तो भी लोगों ने फोड़ फाड़ दिया इसीलिए। अदरवाइज अगली बार भी ऐसा हुआ कोई गारंटी नहीं है, लेकिन तकलीफ तब होती है पेपर का स्टैंडर्ड बढ़ता है भले मेरिट नीचे जाए, बट करना तो आपको ही पड़ेगा ना करना तो आपको ही पड़ेगा उतना तो अगर 100 मेरिट जा रही है, पेपर आसान आएगा तो ठीक है आप भी 125 मार्क्स करोगे, बट पेपर टफ आया तो मेरिट 100 मार्क्स भी गई मान लीजिए, तो 100 मार्क्स तो चाहिए ना आपको भी। सो बी अ गुड मैथमेटिशियन, अच्छा लर्न कीजिए। और लर्न करने वही तरीका बता रहा हूं कि बी ऑनेस्ट, खामखा ईगो मत लीजिए कि यार ये क्वेश्चन मुझसे क्यों नहीं हो रहा, उस क्वेश्चन की वैल्यू कीजिए, उससे फर्स्ट एड मत कीजिए अपने आपको। जो नहीं हो रहा है मतलब उसकी क्वालिटी होगी, बट ये थोड़ी है कि x साइन 1 वाई एक्स सर कंटिन्यूस है 0 पे कि नहीं है। आप सोच रहे हो अब बताओ है कि नहीं है, बताओ तुम x साइन 1 वाई 0 पे कंटिन्यूस है कि नहीं है, सबका है 0 बताए नहीं वैल्यू क्या है और कंटिन्यूटी लिए पूछ तो लो कि कम से कम उस पॉइंट पे वैल्यू क्या है ये मतलब मैं आपको बता रहा हूं कि ये हैबिट चेंज कीजिए, अज्यूमिंग समथिंग कि दिस इज दैट। एग्जाम में अज्यूम नहीं करके आंसर किए जाते हैं। जो पहला तरीका होता है क्वेश्चन सॉल्व करने का कुछ भी, ट्राई टू रिकॉल द ट्रिवियल केसेस। मैं हमेशा इस बात पर करता हूं, क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करो तो फर्स्ट गो टू डेफिनेशन, व्हाट इज आस्क्ड एट व्हाट पॉइंट, व्हाट इज आस्क्ड, देयर आर सम ट्रिवियल केसेस नॉट, आई हैव टू हैंडल फर्स्ट ट्रिवियल केसेस देन प्रोसीड। बहुत फंडामेंटल है, कुछ काउंट करना है अगर तो काउंट क्या करना है उससे वो दिमाग में आया, फिर व्हाट आर द ट्रिवियल केसेस वो अलग किया, देन एल्गोरिथम की जो क्लास होती है अबिलियन नॉन अबिलियन ऐसे कंटिन्यूटी की बात कर रहा है ओके एट विच पॉइंट 0, आपने ये भी नहीं पूछा था हमने कहां कंटिन्यूस है कि नहीं है, तब भी आपका आंसर एक हिसाब सही था, कोई वो तो बड़े आराम से बोलता सर मेरा तो आंसर सही है मैथ्स का स्टूडेंट हूं, आपने कहा एक्स एंड एक्स कंटिन्यूस है कि नहीं है, हाँ सर कंटिन्यूस है, कहां गलत है इसमें, आपने डोमेन नहीं बताया मैंने। आप CSIR NET या IIT JAM मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं।
वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें। आप घर बैठे बैठे CSIR.net, IIT JAM की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गेट 40,000 प्लस क्वेश्चन बैंक ऑफ ऑल द यूनिवर्सिटीज इन इंडिया एब्सोल्युटली फ्री। डाउनलोड डिप्स अकेडमी मोबाइल ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर। सब्सक्राइब आवर YouTube चैनल फॉर मोर लर्निंग वीडियोस एंड डिस्काउंट ऑन वीडियो कोर्सेज। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़े या QR कोड स्कैन करिए। निकाल लिया मेरा DODR माने 0 है, उसके पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इजंट इट? तो क्वांटिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ फंक्शन एट अ पॉइंट, देन ऑन अ डोमेन, और फिर डोमेन के हर पॉइंट पे, और वो दो पार्ट आइसोलेटेड एंड लिमिट पॉइंट, ये तो पूरा प्रोसेस है ना। तो आपसे जो पूछा जा रहा है एक्जैक्टली टू द पॉइंट से बात कीजिए, एरर जितनी कम होगी उतना अच्छा है आपका। एक तो वैसे क्वेश्चन कम अटेम्प्ट हो रहे हैं, जो अच्छे क्वेश्चन उनमें एरर करके बैठ गए तो और मुश्किल हो गई। तो 150 मार्क टारगेट करके चलना पड़ेगा आपको, और सीरियसली कह रहे हैं कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हाँ, तब तकलीफ है जब आपको केवल क्वेश्चन के आंसर में इंटरेस्ट है। अभी भी आप लोग यही करते हो, एक क्वेश्चन उठा के उसके आंसर सॉल्यूशन में इंटरेस्ट लेते हो। जब क्वेश्चन नहीं आ रहा होता है तो आप फिर भी यही कहते हो, अरे ये क्वेश्चन मुझसे नहीं आ रहा है, ये कभी नहीं उठाते हो कि हमसे क्यों नहीं आ रहा है, इसमें ऐसा क्या था जो मुझे नहीं आता था। स्टिल व्हाट इज द प्रॉब्लम कि मुझे लिमिट नहीं आती, कंटिन्यू नहीं आती, डिफरेंशिएबिलिटी कौन सा हिस्सा था जो मुझे नहीं सॉल्व हो रहा था। अगर कोई फ्रेमिंग क्वेश्चन तो कोई दिक्कत नहीं है आपसे, साइन एक्स अपॉन एक्स, ठीक है, ये मेरा एफ एक्स है, एक्स बिलोंग टू ओपन इंटरवल 0-1, कॉन्टिन्यूअस इन दिस इंटरवल, नो प्रॉब्लम इन दिस इंटरवल एट एवरी पॉइंट, बाउंडेड और नॉट, देन एफ इज बाउंडेड, एफ इज कॉन्टिन्यूअस, एफ इज यूसी, एफ इज डिफरेंशिएबल, करो टिक। अच्छा है ना, नंबर ऑफ करेक्ट ऑप्शंस के लिए हाथ उठाओ, कितने ऐसे नंबर ऑफ करेक्ट ऑप्शंस, ये बबल कर दूं, कर दूं बबल, सी इज करेक्ट है, भी नहीं है हमारे सारे सही है, ऐसे करोगे कैश चलेगा यार, ठीक है। रेशियो ऑफ टू डिफरेंशियबल फंक्शन इज डिफरेंशियबल एवरी पॉइंट प्रोवाइडेड डिनोमिनेटर इज नॉन जीरो, साइन एक्स हमारी लिस्ट का फंक्शन है, एक्स हमारी लिस्ट का है, इसका रेशियो को कहां तकलीफ है, जहां डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है, मेरे इंटरवल में हो रहा है वो जीरो, ओपन है, डिफरेंशियबल हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। अब बात आई यूसी और बाउंडेड की, ठीक है, तो अगर कोई फंक्शन ओपन इंटरवल पे कंटिन्यूअस है, एंड पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट कर जाए फाइनेटली, तो बाउंड हो जाएगा वो, अगर एंड पॉइंट पे फाइनेटली लिमिट एग्जिस्ट कर जाए, लिमिट फाइनेटली, क्योंकि उसने बोला बाउंडेड, इस भी बाउंडेड, तो फिर वो थ्रू आउट बाउंडेड, तो एंड पॉइंट लिमिट एग्जिस्ट कर रही है फाइनेटली, एक्सटेंड टू जीरो पे वन, एक्सटेंड टू वन पे साइन वन बाई वन, तो कैसा हो गया बाउंडेड, और एंड पॉइंट लिमिट एग्जिस्ट करते ही वो यूसी, पक्का इतनी जल्दी क्या है, ट्रेन छूट रही है, यूसी नहीं होगा, जीरो टू इन्फिनिटी में क्या दिक्कत है यूसी में, उसको कैसे निकालते हैं जीरो टू इन्फिनिटी में यूसी, सिंपल, व्हाट इज मेथड हाउ टू चेक यूसी, किसी इंटरवल पे यूसी चेक करने का तरीका क्या होता है, पहले क्या दिमाग में आता है, कंटिन्यूअस होना चाहिए, आगे तो ऐसे सोच लेते हैं, उसके बाद अगर ओपन ए बी या यूनिट इन फ्री कंटिन्यूस है, एंड पॉइंट पे लिमिट फाइनेटली एग्जिस्ट कर जाए तो यूसी हो जाता है, बबल कर दोगे नेगेटिव मार्क हो जाएगा, मार्क्स बड़े इकट्ठे करने, ये वैसे क्वेश्चन नहीं है, मतलब आप बार बार वो मिस कर रहे हो, एल्गोरिथम क्यों याद नहीं हो रही है, रिकॉल करो एल्गोरिथम, हम ऐसे ट्राई करेंगे और पेशेंटली आराम से कूल होके, कोई रेस नहीं है 100 मीटर नहीं है कि स्टार्ट करोगे सबसे पहले भागना है, ठीक है, ये मैराथन है जहां पर आपको इनिशियली स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है, ये ऐसे तैयारी करना मैराथन वाला मामला होता है, एग्जाम 100 मीटर होता है,
एग्जाम जो वो स्प्रिंट है कि वो स्टार्ट खराब हो गया तो फिर मेंटली अपसेट होते हैं, फिर वो गड़बड़ होना शुरू हो जाता है। बट तैयारी करते समय अपने आप को ट्रेन करना होता है। वो तरीका वही है कि जो भी कॉन्सेप्ट उसकी एल्गोरिदम क्या है, देखने से पहले एक बार, उसको करने से पहले, आंसर देने से पहले एक बार क्रॉस चेक करो हम क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं। गॉट द आइडिया है ना? ये पक्का वो साइन एक्स अपॉन एक्स था, ये साइन वन बाई एक्स अपॉन वन बाई एक्स हो गया है ना, एग्जैक्टली वैसे ही हो गया, उसी फॉर्मेट का है। इस पूरे इंटरवल पे ये कंटिन्यूअस है, एक्स टेंस टू जीरो पे जीरो और एक्स टेंस टू इन्फिनिटी पे क्या हो गया वन, मतलब ये साइन वन अपॉन एक्स यानी साइन टी अपॉन टी टेंस टू जीरो वाली मामला आ गया। तो अगेन इट इज बाउंडेड है, चारों ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। रीमान इंटीग्रेबिलिटी हमेशा फाइनाइट लेंथ के क्लोज इंटरवल पे देखी जाती है, तो इसमें वो तो मैं इस यूज नहीं कर सकता था। यस, इट इज रीमान इंटीग्रेबल टू, क्योंकि बाउंडेड है, कंटिन्यूस तो हर इंटरवल पे कंटिन्यूस हो गया, डन। टू एक्स साइन वन बाई एक्स, क्यों इन एनी इंटरवल ए बी इट इज अ बाउंड वेरिएशन, क्लोज इंटरवल होता है हमेशा बाउंड वेरिएशन के लिए। हाँ, उसमें तो बराबर है, कब ग्रेटर देन होना चाहिए, कब डोमेन, कौन से डोमेन पे, ये डोमेन कौन सा है, जीरो के आगे बैरल लग चुका है, जीरो रेंज में है, डोमेन में है नहीं मेरे, ए लगा दिया तो अब तो जीरो करीब जाएंगे नहीं आप, तो अब अल्फा ग्रेटर देन बीटा ये सब नहीं चाहिए, अब तो आपको डेरिवेटिव निकाल लो, तो फंक्शन डिफरेंशियल डेरिवेटिव बाउंडेड है इसका। व्हाट इज डेरिवेटिव, ये तो डिफरेंशिएबल है ना। होप यू आर लाइकिंग दीज लर्निंग वीडियोस, वांट टू स्टडी विद दुबेसा लाइव, जॉइन आवर ऑफलाइन ऑनलाइन बैचेस फॉर सीएसआईआर नेट मैथ्स एंड जैम, विजिट आवर वेबसाइट और क्लिक ऑन द लिंक हाइलाइटेड टू नो मोर। जीरो के अलावा हर जगह, तब तो हमारा इस पे आ रहा ना, इस पे व्हाट इज डेरिवेटिव, तो साइन वन बाय एक्स, एक्स हो गया माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर कॉस वन बाय एक्स इंटू एक्स भी था ना, ये हट जाएगा, इज लेस देन इक्वल टू साइन वन बाय एक्स दिस मॉड प्लस वन अपॉन एक्स दिस मॉड कॉस वन बाय एक्स दिस। इसकी वैल्यू क्या हो सकती है मैक्सिमम, मान लीजिए पॉजिटिव है साइन वन, ये वन कर दो सिंपल, प्लस वन बाई हो गया बाउंडेड। ये हम इसलिए कह सकते हैं कि मेरा जीरो से फ्री हूं ना वहां पर, अगर हम जीरो जितना करीब जा सकते तो ये बढ़ता जाता, फिर मैथ काम नहीं आता। अभी क्या हुआ, फंक्शन है ना बाउंड वेरिएशन, इफ डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन इज बाउंडेड देन इट इज ऑफ बाउंडेड वेरिएशन, ठीक है। अगर कोई फंक्शन किसी क्लोज इंटरवल ए बी पे डिफरेंशियबल, अगर आर पे डिफरेंशियबल है ना कोई फंक्शन, अगर कोई फंक्शन आर पे डिफरेंशियबल है पूरे आर पे, तो आपको जस्ट डेरिवेटिव चेक कर लेना चाहिए, हो सकता है ये काम आ जाए। जैसे मुझे मालूम चला कि डेरिवेटिव पूरे आर पे डिफरेंशियबल, जीरो पे तकलीफ डिफरेंशियबल नहीं था वो, तो कोई इशू नहीं था मेरे को लेकिन ये इंटरवल लिया, यहां पे डिफरेंशियबल है, मैंने चेक कर लिया। अच्छा, यहां पे कोई भी और पावर होती तो क्या फर्क पड़ता है इससे, कुछ फर्क पड़ता हमको, यहां कुछ ही पावर लिख लेता वो, यहां बनता तो इसी टाइप का ना, और यहां पर ये नंबर आ ही जाते ना,
दिक्कत कब हो रही है, जब जीरो करीब जाए, और जीरो करीब जाने से जा सकते हैं, इट इज ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड नो मत कीजिए, जैसे हम लोगों ने इसको किया था नो वहां पर, बट कब, जब डिफाइन किया था आपने फंक्शन, तब उस फंक्शन का वो मत भूलिए कैरेक्टर जो है जीरो एफ फ्रॉम जीरो वन टू आर, ये फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन का नहीं है, है? किस डोमेन पे चेक कर रहे हैं हम? जीरो वन पे। ये तो फेल हो गया मामला, ये ए तो लिख नहीं सकते हम, तो इससे इसको किसी और तरीके से आपने प्रूफ किया था, इट इज नॉट ऑफ बाउंड वेरिएशन। आपने दिखाया था एक पार्टीशन लेके, उस पे जो वेरिएशन आया था वो एक डाइवर्जेंस सीरीज बन गया था, याद आया? कहां खोए हुए हो? हाँ, अटेंडेंस प्रेजेंट सर, है ना? ये है, क्योंकि ये अब ये इस डोमेन की चर्चा है, एग्जाम में कम से कम ये तो फोकस करना होगा ना, जो मेरा क्वेश्चन आया है अगर नहीं देखा हुआ है, वो चेंज किया गया तो क्या चेंज किया गया है, या ये वही क्वेश्चन जो हमने ऑलरेडी करके आए हैं, ये आंसर दे दोगे तो घर से ले जाओ क्वेश्चन, फिर तो अपने हिसाब से आंसर नहीं दे सकते हमें, इस कंडीशन में और इस कंडीशन में बहुत डिफरेंस आया, या ये वाला हम लोग को याद था, लेकिन ये जो अल्फा बीटा है ये ध्यान रखना होगा, ये ध्यान रखना होगा, ये जो कंडीशन है ना तब है कि जब अल्फा ग्रेटर देन बीटा और ये फंक्शन ये हो या कॉस हो, बट जीरो वन पे इंटरवल में डिफाइन हो, तब हम कहते हैं दिस इज ऑफ बाउंड वेरिएशन व्हेन अल्फा इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन बीटा, स्ट्रिक्टली, तो दोनों वन करने पे नहीं है, दोनों टू करने पे भी नहीं है, अभी भी नहीं है बाउंड वेरिएशन, ये इधर बाउंडेड वेरिएशन है इसमें किसी भी इंटरवल, तब ये काम आ जाएगा, बट जीरो वन करोगे तो फिर नहीं है, वहां पर क्या होगा, डेरिवेटिव बाउंडेड आ जाएगा इसका कंफर्म। तो ये जो क्वेश्चन था आपका एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स, ये जीरो पे जीरो डिफाइन कर दें, एक्स बिलोंग्स टू ओपन जीरो वन, तो मेरा फंक्शन हो गया एफ फ्रॉम, ठीक है, इस फंक्शन, ये फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है कि नहीं, क्या दिक्कत है, केवल जीरो पे और कहीं दिक्कत है इसको, दिस इज कॉन्टिन्यूअस इन ओपन जीरो वन, क्लोज ओपन एट जीरो क्लोज एट वन, एंड एट जीरो फेल्स टू बी कंटिन्यूअस, तो ऑन दिस इंटरवल इट हैज ओनली वन पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, हेंस फाइनाइट पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, हेंस रीमान इंटीग्रेबल, ठीक है। तो इसमें दिस इज मीनिंगफुल, अगर मैं ये स्क्वायर कर दूं अब मामला गड़बड़ हुआ, डिफाइन तो हो गया पूरे उसमें, डिफाइन तो क्लोज इंटरवल एबी में है बट ये बाउंडेड नहीं है, ये वन अपॉन एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन एक्स हो गया, साइन एक्स अपॉन एक्स टेन टू वॉट वन, वन एक्स टेन टू जीरो एंड वन अपॉन एक्स टेन टू इनफिनिटी, दिस प्रोडक्ट कैन बी मेड एज लार्ज एज वी प्लीज, आप कुछ भी जैसे ना वन अपॉन एक्स और साइन एक्स अपॉन एक्स, इस फॉर्मेट में लेके चले गए इसको, दिस टेंस टू वन, दिस टेंस टू इनफिनिटी, अगर एक जीरो जा रहा होता है एक इनफिनिटी, तब तो अलग बात होती है, तब मिलकर जीरो बन जाते, बट एक तो वन पे जा रहा है और एक कहां जा रहा है इनफिनिटी पे, द प्रोडक्ट कैन बी मेड एज लार्ज एज वी प्लीज, दैट मीन्स दिस इज नॉट बाउंडेड। और पिछला क्वेश्चन जो हम कर रहे थे कि फंक्शन डिफाइन आर पे किया था और फिर इस पे इंटीग्रेट करने की कोशिश करें, ठीक है, तो यहां से थर्ड पार्ट शुरू होता है, तीसरा हमारा चैप्टर चल रहा है ना, रीमान बाउंड वेरिएशन एंड इंप्रॉपर, ये एक साथ ही पढ़ते हैं, हमने रीमान इंटीग्रिटी पढ़ ली, उसमें क्या क्या चाहिए था हमको, फंक्शन मेरा बाउंडेड हो किसी क्लोज इंटरवल एबी पे। उसके बाद हम देखते थे इसका यूपीएफ एलपीएफ, ये एक ही जगह कन्वर्ज कर रहे हैं कि नहीं, अगर यस तो हम कहते थे रीमान इंटीग्रेबल है, या ऑसिलेटरी सम कैन बी मेड एज स्मॉल एज यू प्लीज तो रीमान इंटीग्रेबल, और कुछ अगर कॉन्टिन्यूअस हो जाए तो रीमान इंटीग्रेबल, नहीं भी हो देन पॉइंट ऑफ फेलियर शुड बी फाइनाइट और काउंट भी इनफाइनाइट तो भी, है ना, मोनोटोनिक देन डेरिवेटिव इज बाउंडेड, डेरिवेटिव, ये सारे रिजल्ट आ रहे थे ना, कि इन सारे केसेस में हम कह सकते हैं मेरा फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है, एंड देन दैट इंटीग्रल इज नथिंग बट एरिया,
बट अलजेब्रिक एरिया, क्लियर। अब अगर फंक्शन बाउंडेड ना हो तो क्या है, देन द इंटीग्रल इन विच आइदर इंटीग्रांड इज अनबाउंडेड और लेंथ ऑफ इंटरवल इज इनफाइनाइट आर रिफर्ड एज इम्प्रॉपर इंटीग्रल। छोटा सा यूनिट है, स्टार्ट कर लेते हैं। बड़ा यूनिट होगा फंक्शन टू वेरिएबल्स और मोर वेरिएबल्स। लिखिए इम्प्रॉपर इंटीग्रल नेक्स्ट यूनिट। होप यू आर लाइकिंग दीज लर्निंग वीडियोज। वॉन्ट टू स्टडी विद दुबेसर लाइव? Join our offline online batches for CSIR NET Maths and JAM. Visit our website or click on the link highlighted to know more.